बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाए। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ये आज की वीडियो में आपको ब्लाउज नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ। उसके लिए मैंने कुछ ये पट्टी कट की है, इसकी मैं डोरी बनाऊंगी और फिर डिजाइन डालूंगी। और मैंने ब्लाउज और लाइनिंग दोनों पीस कट कर लिए हैं और अभी आपको नेक डिजाइन के बारे में बताती हूँ। तो सबसे जो ब्लाउज है हमारा ये 34 साइज का ब्लाउज है और हम ब्लाउज को साइड में रख देते हैं, लाइनिंग पर ये शोल्डर से 3 इंच ले रही हूँ और डीप आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं। मैंने ये 10.5 इंच लिया है और मैं इसको वी नेक में कट करूँगी। ऊपर से सेम रहेगा, नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड ला के फिर वी नेक आएगा। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉड रख रही हूँ। देखिए इसकी शेप हमारी कुछ इस तरह से आएगी। सेम ड्राफ्ट पर कट कर लेते हैं। ड्राफ्ट को रख के कैनवास और नेक पट्टी कट कर लो। तो देखिए मैंने कैनवास के टुकड़े ले लिए हैं और इसकी ओपनिंग बैक साइड में, इसलिए मैंने जो टुकड़े बचते हैं हमारे नेक के वही डबल ले लिए हैं। और अभी हम सेम ड्राफ्ट पर कट कर लेते हैं। तो देखिए अभी मैंने जो नेक कट किया था उसी ब्लाउज के ऊपर मैंने इसको सेट कर लिया है। नीचे उल्टा ब्लाउज रखा है, उसको चारों तरफ से मैंने स्टिच कर दिया है। अभी हम नेक को कट कर देते हैं। अभी हमने जो कैनवास और नेक पट्टी कट किए थे वो मैंने इस तरह से तैयार कर लिए। नीचे नेक पट्टी रखी है, मैं इसमें पाइपिंग देने वाली हूँ इसीलिए मैंने ये ग्रीन कलर लिया है और कैनवास के साथ इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे अभी जो हमारी इसकी ओपनिंग जैसे बैक साइड में, तो हमको सेंटर से ब्लाउज को भी कट करना है। अगर आपकी बैक फ्रंट में है तो कट करने की ज़रूरत नहीं है। पीस मैंने इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और मैं इसमें डोरी डालने वाली हूँ। तो देखिए मैंने ये ग्रीन कलर की डोरी बनाई है और मैंने ये स्ट्रेट कपड़े से बनाई है। नॉर्मल हम क्रॉस कटिंग में बनाते हैं और देखिए ये लटकन बनाए और इसका वीडियो मैंने अपलोड किया, आप चाहे तो ये भी देख सकते हैं जिससे आपका पूरा ब्लाउज डिजाइनर बन सके। तो देखिए जो ये डोरी है हम यहाँ ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो शोल्डर से हमको 3 इंच लेना है, तो हम स्टिच कर देंगे। तो देखिए 3 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लें और यहीं पर हम डोरी को लगा देते हैं 3 इंच पर। तो देखिए मैंने 3 इंच पे इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर ली है और साथ में हम डोरी को भी इसको ले लेते हैं, नेक पट्टी को। देखिए मैंने स्टिच कर दिया है, अभी हम इसमें पाइपिंग देके इसको तैयार कर लेते हैं। हमारी पाइपिंग भी तैयार हो चुकी है, अभी हम प्लेट डालते हैं। सेंटर से 4 इंच ले लें और 4 इंच से लेके 5 इंच लंबी प्लेट डाल दें। तो देखिए हमने प्लेट भी डाल दी है और अभी नीचे की फिनिशिंग दे देते हैं। तो ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है, इसको डबल फोल्ड करके फिनिशिंग दे देते हैं। इसी तरह मैं दूसरे साइड का पीस तैयार कर लूँगी। को अंदर फोल्ड करके फिलहाल स्टिच डाल देते हैं, बाद में तुरपाई कर लेंगे। तो देखिए इसमें अभी हम यहाँ पे जो काज बनाएंगे उसके लिए पट्टी लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया और इसको फोल्डिंग ऊपर भी करेंगे नीचे भी करेंगे क्योंकि हमने नीचे ऊपर दोनों फिनिशिंग दे चुके हैं। और इस तरह से सेट करते हुए स्टिच कर देते हैं, इसको पलट देते हैं। पलटने के बाद इस तरह से आ रहा है और यहाँ पर अभी हम इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे पे सिलाई डाल देते हैं।
तो देखिए ये पीस मैंने पूरा तैयार हो चुका है एक साइड का, और अभी आपको बताती हूँ जो हम इसमें डिजाइन डालने वाले हैं। तो देखिए मैंने स्ट्रेट पट्टी एक बना ली है, ये मैंने 1 इंच चौड़ा लिया था लेकिन किनारे पे सिलाई डाल के इसको चौड़ी पट्टी बना ली है, और अभी हम यहाँ पर डिजाइन डालना शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, जितना यहाँ पर 1/2 इंच के आसपास हम गैप छोड़ देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर टाइट कर देंगे। अभी देखिए धागा हमने पीछे की तरफ ले लिया है, और जो इसकी सिलाई है डोरी की वो अंदर की साइड जाए, इस तरह से हमको रखना है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम 1 इंच के आसपास छोड़ के और फिर से इसी तरह अभी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ही इसको निकालेंगे, टाइट कर दें, जिससे कि हमारी कुछ डिजाइन इस तरह से दिखेगी, और इस तरह 2-3 टाइम्स टाइट कर दें इसको, ये इस तरह से दिखेगी। सेम इसी तरह से फिर से हम करेंगे, तो पूरे में हमको इसी तरह से करना। मैं पूरे में कर लेती हूँ। तो देखिए ये डिजाइन जो मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी, पूरी यहाँ से लेके मैंने यहाँ कमर तक लगा दी है, इतना पार्ट छोड़ दिया है जो कि हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। और देखिए सेम मैंने इस साइड में भी इसी तरह से अटैच कर दिया है, यहाँ पे हुक भी लगा दिए हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है हमारा। और देखिए एक फ्लावर लिया है मैंने, और आप चाहें तो यहाँ पर ये फ्लावर भी लगा सकते हैं शो के लिए, क्योंकि अंदर से हमारे हुक्स आ चुके हैं। तो देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।